पर निकल रहे हैं और लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि वो आग सेकने जा रहे हैं यात्रा पर। बहुत गलत बात बोल रहे हैं ये जो लालू जी बोल रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। हमको तो लगता है कि बुढ़ापा में सठिया गए हैं, ये महिला जाति का अपमान है, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं लालू जी और महिला जाति के लिए इस तरह से बोलना और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए इस तरह से बोलना शोभा नहीं देता है उनको, और ये गलत बात है। उनको अपना बात को वापस करना चाहिए। बहुत नारी जाति का भी अपमान है और यहाँ के मुख्यमंत्री का भी अपमान है। इंडिया गठबंधन के नेता लीडरशिप को लेकर के ममता बनर्जी ने कहा था कि मुझे दे देना चाहिए, लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हाँ दे देना चाहिए। अब ये वो लोग का मामला है, जहाँ विपक्ष इतना बिखरा है हम उसमें क्या कर सकते हैं। लगता है कांग्रेस के लीडरशिप पे सवाल उठ रहा है। ये सब हम लोग अपनी बात करेंगे। एनडीए जो है यहाँ एकजुट है और बहुत ही अच्छा से काम हो रहा है, बिहार में भी काम हो रहा है, देश में भी काम हो रहा है। दूसरे तरफ अभी इंडिया का कुछ होने वाला नहीं है, इंडिया गठबंधन का। चलो चुनाव में आप लोगों की एनडीए की हार हो गई है मैडम, कैसे देख रहे हैं, कहाँ चूक हुई है? अब ये तो देखना पड़ेगा ना किस तरह से कैसे हुआ है। कोई ये जो है ना, अब सबको लेके चलना चाहिए था। अब क्या हुआ इसकी समीक्षा होनी चाहिए कि क्यों हुई है, कैसे हुई है, लोगों को कहाँ पर विरोध था, भाषा का कि संयम रखना चाहिए था कोई भी नेता के द्वारा। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं जो आपस में बैठ करके और देखा जाएगा कि कहाँ क्या चूक हुई है। चलिए अभी हम लोग जो है चार सीट जीते हैं, उपचुनाव चार सीट जीते हैं और वहाँ पर बहुत ही अच्छा रहा परफॉर्मेंस। देखें कि ये किस तरह से उपचुनाव जीते हैं, आगे भी जीतेंगे। आनंद मोहन और चिराग पासवान को लेकर के जो बातें बीच में निकल कर सामने आए, मैडम आप कैसे देख रहे हैं? कोई इस तरह की बात नहीं है। आनंद मोहन जी जो भी हुआ गार्जियन के तौर पर बोले हैं वो होंगे, हम तो अभी व्यस्त हैं, मेरा पार्लियामेंट चल रहा है और इंटैक्ट है पूरी तरीके से, बिल्कुल 100% है। ठीक है, ठीक है।